तो पहले आप लोग ये एक वीडियो देखिए। अरे हम कितनी देर से बैठे हैं, आप ऐसे क्या नहीं कर सकते, हम पागल है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो अब से कुछ देर पहले मैंने ये वीडियो एक व्हाट्सएप एविएशन ग्रुप में देखी, जिसमें आप क्लियरली ये देख सकते हो कि एक इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर उठ के आगे आता है और पायलट को फिजिकली असोल्ट करता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है। अब पैसेंजर के गुस्से का कुछ भी रीजन हो कि फ्लाइट डिले हो गई है या फ्लाइट लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गई है, उसको पायलट के ऊपर हाथ उठाने का हक किसी ने नहीं दिया। और मारने के बाद यूं भी कह रहा है कि चलाना है तो चला वरना मत चला। तो इस गवार को मैं एक चीज बता दूं कि ये तेरे बाप का स्कूटर नहीं है कि तू कहेगा इसको पापा चलाओ तो वो चलाएगा, और तू कह दे पापा इसको रोक दो तो वो रोक देगा। इसको एरोप्लेन कहते हैं। इसको उड़ाने सीखने के लिए ना बहुत ज्यादा पढ़ाई और फ्लाइट ट्रेनिंग लगती है। तो एक चीज तो क्लियर है, तेरी तरह का गवार कभी पायलट नहीं बन सकता। और अगर पैसेंजर बन के पीछे बैठने का मौका मिले प्लेन में तो तुम ये हरकतें कर देते हो। तूने उसके ऊपर हाथ उठाया, अगर वो तेरे को वापस घुमा के मारता तो तेरे को पता है तू दोबारा नहीं उठता। उसका रीजन क्या है कि फ्लाइट ट्रेनिंग और पढ़ाई के अलावा मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करने पड़ते हैं, तो वो पायलट तेरे से 100 गुना ज्यादा फिट है। लेकिन उसने तेरे को नहीं मारा जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड जस्ट बिकॉज कि वो तेरी तरह छपरी नहीं है। तो ये जो अपनी हरकतें हैं ये प्लेन में आके मत करा करो। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसको इस फ्लाइट से बाहर फेंक के मारा होगा और इसके ऊपर कंप्लेंट लॉज हुई होगी। और मैं सभी एयरलाइन से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इस तरह के पैसेंजर्स के ऊपर लाइफ टाइम बैन इम्पोज हो, बिकॉज ये सिर्फ हमारे ऊपर हाथ उठाने की बात नहीं है, ये फ्लाइट सेफ्टी के लिए भी एक इशू है। इस तरह के पैसेंजर तो कुछ भी कर सकते हैं। और एयरलाइंस नहीं, मैं पूरी एविएशन कम्युनिटी को भी ये चीज़ कहूँगा कि हमें इस चीज़ में पायलट के साथ खड़े होना है और कैबिन क्रू के साथ खड़े होना है। अगर हम ही ये चीज़ नहीं रोकेंगे तो इसके लिए कौन खड़ा होगा? क्या हम इतनी पढ़ाई, इतनी ट्रेनिंग, इतने साल की मेहनत दिन रात करके एक करके हम इसलिए करते हैं ताकि ये लोग हमारे ऊपर आके हाथ उठाएं? ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि जितनी भी एविएशन कम्युनिटी है इस पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए सारी इकट्ठी खड़ी होएगी, और जब तक इसके अगेंस्ट एक प्रॉपर एक्शन नहीं लिया जाता हम चुप नहीं होंगे, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे। अगर आपको ये चीज़ ठीक लगे, अगर आपको ये इशू जेन्युइन लगे तो इस वीडियो को शेयर कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।